अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय इस्तांबुल व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुर्की में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक कर रही है कोविड-19 की वजह से। तो उसको जो है एक्टिवेट रखने के लिए आपको प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से आप उसे जो है रजिस्टर्ड अपना कर सकते हैं HES कोड। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ये इस्तांबुल कार्ड है और ये इसके ऊपर नंबर लिखा होता है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है। आपने इसको अपने कैमिलिक पे, आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड करना होता है। तो व्यूअर्स, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपने यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और अपना HES कोड यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद HES कोड की वीडियो जो है किस तरह से रिसीव करना है, HES कोड कैसे रजिस्टर्ड करना है, वो मैंने आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो अगर आपको उसका नहीं पता है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकेंड, आपने अपना जो कैमिलिक नंबर है TRC या मतलब अपना पासपोर्ट नंबर, वो आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में एंटर करना है। थर्ड ऑप्शन में आपने जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है उसका नंबर आपने एंटर करना है यहाँ पे, और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, एग्री करना है और डिफाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपसे दोबारा वो बोलेगा कि अपना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड सेम दोबारा एंटर करो कन्फर्मेशन के लिए। तो आपने दोबारा अपना जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होगा ये वाला नंबर, ये जो लिखा हुआ है, ये नंबर आपने इंटर करना है दोबारा से। और उसके बाद फिर वो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जो है आपको कोड एक दे देगा और वो आपका एक्टिव हो जाएगा आपका जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है, इससे आपका फिर वो ब्लॉक नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।